इस बार हम लोगों ने पिछली बार से ज़्यादा रश देखा है ईद के टाइम पे, इसलिए ये इंतज़ाम किया है कि जो ये पूरा मार्केट वाला इलाका है, बस स्टैंड वाले चौराहे से लेके शहीदी चौक से लेके ये एलईडी वाला चौराहा और आगे वापस बस स्टैंड तक, वो पूरा एरिया हमने वन वे किया है। तो इससे इससे ये है कि स्मूथ मूवमेंट है ट्रैफिक का, लेकिन धीरे धीरे लोग इसको समझ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन मेरी लोगों से यही अपील है कि अगर हम इस तरह से स्मूथ ट्रैफिक रखेंगे और जैसे ये पार्किंग स्पॉट है इसका इस्तेमाल करेंगे, और जो रेहड़ी वाले हैं उनसे भी हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट की है म्यूनिसिपल कमेटी के थ्रू कि अपनी रेहड़ियाँ वो लोग एक तरीके से सलीके से रोड के साइड में लगाएंगे, तो ये सारा रास्ता काफ़ी हमें खुला हुआ मिलेगा। इसमें जो हमारे SHO साहब हैं, इशाक साहब, और जो DO बाज़ार है अजहर, वो लोग काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो ट्रैफिक मूवमेंट बहुत स्मूथ रहता है। जो हमारे लड़के हैं वो सवेरे 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक यहाँ पे ही खड़े रहते हैं। तो आज मैं भी आया हूँ और मेरे साथ मेरे डिप्टी SP और इंस्पेक्टर साहिबान भी आए हुए हैं, तो हम लोग सब यहाँ ट्रैफिक का ही देखने के लिए आए हैं। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि ईद के टाइम पे थोड़ा ट्रैफिक स्मूथ रखेंगे तो सबका काम जल्दी से हो जाएगा, सेफली हो जाएगा और ट्रैफिक मूवमेंट भी सर एक और स्मूथ के वो चीज़ तो मैडम के साथ और जो म्यूनिसिपल कमेटी के साथ हम लोगों का कोऑर्डिनेशन है, ये जो इशू है रेडी वाला वो हमें ऑलरेडी हमारे नोटिस में है और हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। इन रेडियो के लिए एक स्पॉट भी, वेंडिंग जोन भी बन रहा है रिघीपुरा में, तो वो भी ऐसा हम लोगों का यकीन है कि इस महीने के एंड तक वो भी काम करने लगेगा, तो तब रेडियो का जो प्रेशर यहाँ पे वो कम हो जाएगा। और तब तक के लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो रेडियाँ हैं उनको हम लोग थोड़ा ऑर्गेनाइज वे से रखें, जिससे सबका काम अच्छे से बना रहे, जो मार्केट का काम है वो भी चलता रहे, जो ट्रैफिक है वो भी स्मूथ मूव करता रहे। सर ईद के बाद भी लिसन करते हैं ट्रैफिक रूल्स की, जैसे कि रॉन्ग साइड से या फास्ट ड्राइविंग या बाकी गलत जगहों पर गाड़ी की पार्किंग करते हैं, उनके लिए क्या कुछ है सर आगे? हम लोग सबसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो फॉलो करेंगे। इसमें हम लोगों की टीम जो SHO कुपवाड़ा और DO बाज़ार हैं वो बड़े एक्टिव और एफिशिएंट ऑफिसर्स हैं, तो इनके इनके इनिशिएटिव में उनके ऊपर वही सेम हम लोग कोशिश करेंगे, उनको यही सेम चीज़ें बताएंगे कि आप लोग ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन ना करें और जहाँ पार्किंग है वहाँ पार्क करें, स्पीड में नहीं चलाएँ, रॉन्ग साइड नहीं चलाएँ, ट्रिपल सीट नहीं चलाएं, सीट बेल्ट लगाएं। ये हमारी उनसे हमेशा अपील रहेगी और मैं चाहूँगा कि अगर ऐसा रहेगा तो कुपवाड़ा जो हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत अच्छा सबको बड़ा अपील करेगा कि भाई यहाँ इतना दूर भी आके जो ट्रैफिक है वो एकदम स्मूथली चलता है, तो ये कुपवाड़ा के लिए एक मैटर ऑफ प्राइड है कि अगर ये ट्रैफिक स्मूथ चले और लोग ट्रैफिक वायलेशन नहीं करें, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होगी। थैंक यू सर। थैंक यू।